अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, बता दें कि फिलिस्तीन से इजरायली कब्जा हटाने का प्रस्ताव पेश किया गया है। यूएनजीए में यह प्रस्ताव पेश किया गया है। 193 सदस्यीय महासभा में प्रस्ताव को पेश किया गया था, जिसके बाद इसे स्वीकार भी कर लिया गया है। प्रस्ताव के पक्ष में 124 देशों ने मतदान किया है, वहीं 14 देशों ने इसके विरोध में मतदान किया है। इसके अलावा भारत समेत 43 देशों ने इस मतदान में हिस्सा ही नहीं लिया है। एक बार फिर से आपको बता दें, अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, फिलिस्तीन से इजरायली कब्जा हटाने को लेकर प्रस्ताव पेश किया गया है। यूएनजीए में ये प्रस्ताव पेश किया गया है। 193 सदस्यीय महासभा ने ये प्रस्ताव स्वीकार भी कर लिया है। प्रस्ताव के पक्ष में 124 देशों ने मतदान किया था और वहीं भारत समेत 43 देशों ने इस मतदान में हिस्सा ही नहीं लिया। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, बता दें कि फिलिस्तीन से इजरायली कब्जा हटाने का प्रस्ताव पेश किया गया है। यूएनजीए में ये प्रस्ताव पेश किया गया है। 193 सदस्यीय महासभा में प्रस्ताव को पेश किया गया था, जिसके बाद इसे स्वीकार भी कर लिया गया है। प्रस्ताव के पक्ष में 124 देशों ने मतदान किया है, वहीं 14 देशों ने इसके विरोध में मतदान किया है। इसके अलावा भारत समेत 43 देशों ने इस मतदान में हिस्सा ही नहीं लिया है। एक बार फिर से आपको बता दें, अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, फिलिस्तीन से इजरायली कब्जा हटाने को लेकर प्रस्ताव पेश किया गया है। यूएनजीए में ये प्रस्ताव पेश किया गया है। 193 सदस्यीय महासभा ने ये प्रस्ताव स्वीकार भी कर लिया है। प्रस्ताव के पक्ष में 124 देशों ने मतदान किया था और वहीं भारत समेत 43 देशों ने इस मतदान में हिस्सा ही नहीं लिया।